मधेपुरा डीएम की गाड़ी ने लोगों को कुचला, 3 की मौत, 1 डीएमसीएच रेफर। दरभंगा से लौटने के दौरान हुआ हादसा। बिहार के मधुबनी के फूलपरास में मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीणा की कार ने सड़क पर चल रहे लोगों को कुचल दिया। इसमें 3 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। मरने वालों में एक महिला, एक बच्चा और एक शख्स शामिल है। हादसे में एक शख्स घायल भी है, जिसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। दरभंगा से मधेपुरा लौटने के दौरान मधुबनी फूलपरास के पास मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के वक्त डीएम गाड़ी में मौजूद थे। हादसे के बाद जैसे ही भीड़ ने आग को घेरना शुरू किया, डीएम अपने स्टाफ के साथ वहां से भाग निकले। हालांकि अभी तक इस मामले में आधिकारिक बयान स्पष्ट नहीं हो पाया है कि डीएम अभी उस गाड़ी में मौजूद थे या नहीं, या फिर वे मधेपुरा में ही थे या नहीं। अभी इस मामले को लेकर अधिकारी का बयान स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाया है। मधेपुरा डीएम साहब का बताया जा रहा है कि डीएम साहब सुरक्षित है और चार व्यक्ति का मौत हो गया है। नीचे देख सकते हैं किस तरह ब्लड जो है यहाँ पे बिखरा हुआ है। हरम हरा।